हे फ्रेंड्स, हम लोग हैं ग्लोबिन में और ग्लोबिन मॉल में घूमने के बाद हम लोग गैल्सबर्ग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें दिखाई दिया फूड ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट, और देखते ही अगर ऐसी जगह दिखाई दे तो आपके हाथ पैर एकदम उनमें कंपन शुरू हो जाती है कि अपने देश की कुछ चीज़ दिखाई दी है। और अपने देश का खाना तो हर किसी को पसंद है, तो हमें जैसे ही ये दिखा तो हम रुक गए हैं और टाइमिंग पता कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे किस टाइम पे आके खाना खा सकते हैं, क्या क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा और क्या मेन्यू है। बट रियली मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम देश से बाहर आते हैं और जब ये तिरंगा दिखाई देता है तो मन में एक गौरव की भावना, एक आनंद की भावना अपने आप भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी कोई हिंदी में बात करता है या अपनी इंडिया की किसी लैंग्वेज में बात करता है और इंडिया से जुड़ी कोई भी चीज़ जब नज़र आती है ना तो बहुत खुशी होती है। छोले ले लीजिए, चटपटे छोले आपको। तो ये है फ्रेंड्स फूड ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट स्टॉकहोम में। अभी हमने ऑर्डर दिया है छोले राइस का और पराठे, देखिए टेस्ट कैसा होता है। बट नाइस क्यूट, मैं देहरादून से हैं मैडम और 22 साल से यहाँ पर रह रही हैं। और बाहर का पोर्शन देखिए कितना सुंदर है। अगर आप बाहर बैठ के खाना चाहें तो ये आपके पास है। तो स्टॉकहोम में जैसे जो गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, वही इतनी सुंदर है। कैसी डिमांड आती है आपके पास? वो तो आप व्यू करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं आप बताओ ना फिर भी, जैसे कि यहाँ पे इंडियंस हैं यहाँ पे काफी? हाँ काफी हैं। एक्चुअली वही है कि कुछ जो बाहर से आते हैं इंडियंस वही खाना खाते हैं मोस्टली। तो कभी लोकल डिमांड आती है ना कुछ इंडियंस? काफी लोग आते हैं, जैसे जो यहाँ आते हैं इंडियन फिर वो वहीं पर आना खाना पसंद करते हैं। यहाँ के स्वीडिश लोग इंडियन फूड खाते हैं? बहुत खाते हैं। अच्छा, कुछ तो इतना तेज नहीं खाते, कुछ बहुत तेज करते हैं, हमसे भी तेज खाते। अच्छा, वो इंडिया के लोग हैं तो उनको पता होता है। तो क्या उनको क्या पसंद है जो स्वीडिश के लोग? जैसे विंडालू खाते हैं, पालक आलू खा लिए, फिर छोले भी खाते हैं और चिकन रोटी पराठा वगैरह। नान नान ना, हाँ, नान बहुत पसंद करते हैं जी। नान यहाँ ज्यादा जाती है तो नान ज्यादा पसंद करते हैं। बढ़िया, तंदूर वगैरह लगाए हुए? हाँ तंदूर हुआ, तो उसी से चलती है नान। पराठा वराठा इतना जाती है नान, मुझे पूरे यूरोप में बहुत पसंद करते हैं नान को। शायद सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेली में मज़ा आ गया खाना खा के, ऐसा लग रहा है अपने घर पे बैठ के ये छोले चावल और पराठा खा रहे हैं। पराठे का भी टेस्ट फ्लेवर बहुत शानदार है, मज़ा आ गया। उस पर सैलेड, तो अगर आपको इंडियन फूड की क्रेविंग हो तो आप बेझिझक इस रास्ते को ढूंढ के आप इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाइए। इसका नाम है फूड ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। मंडे टू फ्राइडे आपको बुफे लंच भी मिलेगा, बुफे थाली मिलेगी जिसके अंदर आपके पास नान, चावल और ये तीन सब्जियाँ सब कुछ अवेलेबल होंगे और सिर्फ 129। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉकहोम में स्वीडन के अंदर इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं तो फूड ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है ग्लोबिन के पास। ग्लोबिन एक बहुत बड़ा मॉल है और उसके जस्ट पास में ये जगह है फूड ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया खाना है, अभी हमने खाना खाया है यहाँ पे छोले चावल, पराठा और सैलेड। तीनों ही चीज़ें कमाल की थी, बहुत ही बढ़िया थी। इसे देहरादून की एक फैमिली है, मिस नाजिया, वो चलाती हैं। और सब कुछ आपको इंडियन फूड में जो भी चाहिए, थाली से लेकर और चाय से लेकर और जो खाना है वो सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको। मंडे टू फ्राइडे जो रेस्टोरेंट खुलता है 11 बजे और बंद होता है रात के 8:30 बजे, लेकिन सैटरडे संडे को खुलता है ये 12 बजे। इस हिसाब से अपना प्लानिंग आप कर सकते हैं। और इंडिया का फूड अगर आपको स्वीडन में चाहिए तो इस जगह पे आके ट्राई ज़रूर करें।